सबसे पहले तो मैं उस बात का, मेरा नाम ताहिर हुसैन है और मैं इनका पड़ोसी हूँ जिनके साथ ये धाणी में ये जिनके साथ मेरे भाई का बात है, जिनके साथ ये वारदात हुई है, मैं पड़ोस में हूँ, इस तरफ ढाणी में ये रहते हैं, उस तरफ मैं रहता हूँ इस रोड के। अभी आपने कुछ पूछा था, अरे चुप रहो यार, जोड़े से मार दो यार, एक मिनट भाई चुप रहो ना यार, दूसरे के वाम में उठ खा रहे हो यार, एक मिनट यार, कमाल है यार, कहा था बैठ जाओ आप, बैठ जाओ जबान की झेल नहीं। अभी आप कुछ पूछ रहे थे, अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ पूछ रहे थे कि ये जो है क्यों किया, वजह, हाँ इसकी वजह जो है, तरीके से किया वो वजह इसकी, हाँ इसका मोटिव मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोग पकड़े हैं अभी और इनके साथ और भी लोग हैं, ये आपराधिक मानसिकता के लोग हैं जिनको बीजेपी ने नए तरीके से डिफाइन किया है। अब जब से सरकार बनी है इन्होंने नए तरीके से इनको डिफाइन किया, गौरक्षक दल जो भगवा आतंकवाद फैलाते हैं। हमारे इलाके में बहुत अच्छे से भाईचारा था आज से तीन साल पहले और अब भी है बूढ़े बुजुर्गों की वजह से, लेकिन वो जो भाईचारा दूरी बढ़ती जा रही है समाज में, इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है, इसके जो भगवा आतंकवादी ये लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने इस तरह की मानसिकता, इन लोगों के जो गौरक्षक हैं जिनको ये एक प्रोपेगेंडा बना के इन लोगों को ये दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है कि भाई ठीक है तुम लोग करो। ये लोग रात में उत्पात करते हैं, लूटपाट करते हैं और एक इस केएमपी में बीसों घटनाएं हो चुकी हैं और ये कहां पे इसी केएमपी एक्सप्रेस कितने कितने पिछले कितने प्रगति के लिए जो हमारा एक्सप्रेस वे बना था, ये सिर्फ विनाश लेकर आया है, इसने हमारे जल स्रोतों को सुखाया है, हमारे गांव में गंदगी फैलाई है, ये विकास है हरियाणा सरकार का, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये जो इनको जो इनको इनको ऑथराइज्ड ये लोग क्रिमिनल बना रखे हैं सरकार ने, ये लोग रात में कोई भी एक या दो इंसान जो भी आते जाते हैं मजबूरी बस या अपने काम धंधे की वजह, उनको लूटते हैं, वारदातें करते हैं, बीसों वारदातें इस केएमपी एक्सप्रेसवे पे पलवल से मानेसर तक हो चुकी हैं, जिसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। तो इनका मोटिव मैं आपको बताता हूँ, इनका मोटिव क्या था, इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ सामाजिक जो सामाजिक तनाव पैदा करना, लोग भागों को पोलराइज करना, समाज को पोलराइज करना, और इन्होंने ये सब जो है एक तरह से एंटी मुस्लिम सिस्टम के एंटी मुस्लिम और एंटी एक संकीर्ण मानसिकता है जिसमें लोगों को बांटना है, लोगों को बांटने के हिंदू मुसलमान कोई बटे बटे बस लोगों को मानसिकता और के उसमें किया इन्होंने। दूसरी बात, ये इनमें से एक क्रिमिनल है अमरजीत, उसके पास तो कई मुकदमे दर्ज हैं, एक बिहार का लड़का है और दो लड़के और हैं यहाँ पे और पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने इनको उकसाया है और जो इनके साथ रहते हैं। ये लोग अक्सर यहाँ पे दौड़ क्या करते हैं, मैं खुद यहाँ पे वॉकिंग करने जाता हूँ तो देखता हूँ इन लोगों को यहाँ पे खड़े रहते हैं, आप इनको पहचान सकते हैं, मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई करता हूँ, सब लोग यहाँ के लोग पहचानते हैं। और दूसरी बात, ये लोग हिडन क्रिमिनल्स जिन्हें बोलते हैं, हिडन क्रिमिनल्स हैं, इनके ऊपर यहाँ के लोगों कोई वो नहीं था कि इस तरह से, और इस इब्राहिम के साथ जिस जो डेड हुआ इसके साथ ये उठते बैठते भी थे। अच्छा, हाँ, तो यही था, हाँ, मैं यही बात। अब रही बात आगे की, रही बात, ये तो इनका मोटिव था, इन्होंने जो तासुब में आके, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, तासुब में आके सब किया हमारी भावना। दूसरी बात आगे का मोटिव, हमारे साथ 36 बिरादरी है बीजेपी, हमारे पास अभी तक हम लोग प्रशासन से संतुष्ट थे, उन्होंने हमारे मुलजिम पकड़ लिए हैं, सिर्फ पकड़े हैं, अभी तक कोई हमें पता नहीं है कि क्या क्या उन्होंने कार्रवाई की है और किस तरह से उन्होंने किस आधार पकड़ा है, क्या क्या उनके पास जो प्रूफ है, किस तरह से वो है उनके पास, हमें कोई ट्रांसपेरेंसी समाज में डीएनए वगैरह टेस्ट हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हमें किसी तरह से कोई कुछ नहीं पता। मुझे ये बताइए कि यहाँ के रहने वाले वासी जो हैं किस तरीके से इनकी जो दर्द में अपनी पेशकश कर रहे हैं, किस तरीके से इनके दर्द में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दर्द में शामिल होने के लिए सबसे पहले तो जो इलाके के वासी हैं, 3600 बिरादरी एक है, क्रिमिनल की तरह है यहाँ अभी, और लोग इनको फांसी पे लटका हुआ देखना चाहते हैं, हर आदमी फांसी पे लटका हुआ, और फांसी पे भी इनको हर मजहब का, हर मजहब का, मतलब हिंदू भी चाहता है कि फांसी में लटका, बिल्कुल बिल्कुल चाहता है, मुसलमान बिल्कुल चाहता है, 36 बिरादरी आप शायद उस पंचायत में नहीं थे, उस पंचायत में 36 बिरादरी के लोग थे, इसके लिए हमें अपनी सफाई देने की है, इसके लिए बार बार हमें कहने की जरूरत नहीं की 36 बिरादरी हमारे साथ, मतलब ये हमसे आगे बाकी जो नॉन मुस्लिम बिरादरियां वो आगे आने को तैयार, और वो हमारे साथ आने आगे हम लोग क्या करेंगे, वो हमारे साथ रोड शो करेंगे, रोड जाम करेंगे, पूरा गुड़गांव मेवात पूरा हरियाणा जाम होगा, एक आंदोलन होगा, जब तक टाइम से हमको न्याय नहीं मिल जाता, हमारे दर्द की क्षतिपूर्ति सरकार नहीं कर सकती किसी भी कीमत पे, और सरकार ने तो अभी हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, क्या किया, सरकार के नुमाइंदे आते हैं बदतमीजी से बात करते हैं, मैं उनसे कोई सवाल पूछता हूं मेरे से बोलते हैं तू कौन है, इस तरह से बात करते हैं,
सरकार का कोई नुमाइंदा सही तरीके से बात नहीं करता। डीसी महोदय यहाँ से 20 किलोमीटर बैठते हैं, सिर्फ जब उनका मंत्री आता है तो उनकी जूती चाटने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। कोई किसी तरह की वेदना उन्होंने प्रकट नहीं की और यहाँ पे एक तरह से जो है मर्डर टूरिज्म एक स्पॉट बना दिया उन्होंने। मुझे बात बताइए, एक इतना बड़ा हादसा हो गया जिसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं, तो इस ऐसे वारदात पिछले 2-4 महीने में यहाँ पे कभी भी हमारे बुजुर्ग 80-80 साल के बुजुर्ग हैं सभी बिरादरियों के, उन्होंने आज तक, हमारी तो खैर 30-32 साल की उम्र है, हमारी तो छोड़ो आप, उन्होंने आज तक कोई ऐसी घटना नहीं देखी, इस तरह की घटना हमारे पूरे इलाके में क्या शायद प्रदेश में नहीं हुई। अगर मैं आपने कहा कि हाईवे पे ऐसे वो छोटी मोटी लूटपाट की घटनाएं, किसी को मारना पीटना, गौ रक्षा के नाम पर रात को गाड़ियां चेक करना, एक अभी भी होता है अभी तक होता है। मैंने कल एजीपी महोदय को जो है इस बारे में सूचित किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ठीक है प्रशासन को टाइट करूंगा। आदमी होता है जी हमारे जैसे ही। बताइए एक सेकंड, आपको बताने क्या होता है? नहीं, वो हमारे जैसे एक टीम बना रखी है, मजबूत लड़का ले रखे हैं तगड़ी हालत के, जो डंडा से गौ रक्षा में यासीन सरोड़ा से सरपंच है। हाँ जी, हाँ जी, सरोड़ा के सरपंच जी। तो इसलिए क्या है कि इन्होंने 10-15 लड़कों की टीम होती है और वो गाय के नाम से ही, गाय का काम नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। और क्या मतलब काम नहीं चल रहा? क्या है, गाय वाय के पहले टेम्पो वगैरह आते थे, जैसे कोई उसका तो नहीं अभी तस्करी, गौ तस्करी नहीं हो रही है, नहीं हो नहीं रही है, लेकिन उसके लिए जो भी काम होता है ना, उसके बिना के ऊपर मंचा जी गाड़ी को लूट लेते हैं और वो लूट पाट करके उसको मार के पैसे वैसे उसके ले जाते हैं। सब दारू पी के नशे में धुत रहते हैं, दारू पी के, और जैसे ही क्यों उसी पर्पज पे वो लगे हुए हैं, बाकी उनसे उस चीज से और मतलब नहीं है। वो तो ऐसे आपकी जान ली पैसे लिए, कोई जैसा भी उनका मौका बैठ जाता है वो उसे कर भागते हैं। उनको पुलिस भी कुछ नहीं कहती? पुलिस क्यों नहीं, आपको क्यों लगता है कि पुलिस कुछ नहीं? पुलिस कुछ नहीं, पुलिस तो सरकार की है ना, सरकार के दबाव में आके पुलिस क्या कहेगी? जब सरकार का एक बात बताइए, मैंने मीडिया में उन लड़कियों की बाइट दिलाई अभी 3 दिन पहले, मैंने लड़कियों की बाइट, आज तक उन्होंने क्या कहा, लड़कियों ने क्या कहा? लड़कियों ने बयान दिया अपने सारी ये जो पीड़ित पीड़ित लड़कियां, इन्होंने सारी बातें अपनी बताई, आज तक वो दिखाए नहीं गए, सिर्फ उनको फोटो दिखाए गए, आज तक वो बयान टीवी पर नहीं चलाए गए। क्या बयान दिया बताइए आप? उन्होंने कहा आपने कि सुना बयान? मैं पहलवान थे मेरे साथ में, हम दो, मेरे सुना नहीं गया, मैं आपको सही बताऊं, उनके साथ तो बीता, मेरे सुना थोड़ा सुना दीजिए। उनके साथ उन्होंने बारी बारी से गैंगरेप किया, बच्चे को के ऊपर ब्लैकमेल करके चाकू रख के गैंगरेप किया, उनके माँ बापों को बांध कर उनको दिखा कर उनके सामने गैंगरेप किया। उसके बाद वो जो उम्र क्या है बच्चियों की एक तो शादीशुदा है, एक नाबालिग है, 15 साल है, पंद्रह साल की। उसके बाद उनके माँ बापों को जगा जगा कर कि तो हम तुम्हारी बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा हमारे गला सूख गया, पानी दे दो, पानी की जगह प्लास पेशाब पिलाया उनको, और हद से ज्यादा दरिंदगी। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, हुकूमत के किस किस्म का इकदाम करना चाहिए? हुकूमत से तो हम शायद उम्मीद कर रहे थे, अभी तक तो कुछ आया नहीं। कानून भी है, अदलिया है, हमारे हिंदुस्तान की अदलिया की जो है बहुत प्रशंसा होती है, तो अदलिया से तो उम्मीद होनी चाहिए। नहीं, उम्मीद क्या है, अब तक सरकार कोई आदमी आया नहीं। जुडिशरी अपना काम करेगी, जुडिशरी तो अलग है और सरकार अलग है, सरकार की बात सरकार से, जुडिशरी की बात जुडिशरी जो करती है वो तो सबूतों के आधार पर करेगी। हम तो जुडिशरी से यही चाहते हैं कि जल्दी इसका न्याय हो। हमारी जो न्याय मतलब क्या, न्याय मतलब फांसी, और खुले में फांसी हो, उनको सबको फांसी हो, और उनके सारे बाकी साथी पकड़े जाए, और हमें बताया जाए इन्होंने क्या सबूत इनके खिलाफ है, और हमारे जो बार एसोसिएशन है उसको इस बारे में सूचित किया जाए। हमने जो रमजान प्रधान जी, आबिद प्रधान जी जो इस बार एसोसिएशन के हेड है, उनको इस बारे में सूचित किया जाए, और हमारे जो पंच, हमने सुना कि इनके कोई वकील तैयार नहीं हो रहा इनके, हमारी बार एसोसिएशन और पूरा हरियाणा की बार एसोसिएशन इसको करने भी नहीं देगी, वो बिना बार की परमिशन के तो नहीं कर सकते। अच्छी बात है, इत्तेहाद की बात है, नहीं करने देगी। अभी गुड़गांव से हमारे कुछ साथियों ने, अशोक तंवर जी ने हरियाणा से कांग्रेस से, और जो बाकी गुड़गांव से प्रदीप जेलदार वगैरह ने उन्होंने ज्वाइन किया, और जो अपने धारीवाल साहब है गुड़गांव बार एसोसिएशन के, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें लोग सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सियासत की कोई बात नहीं है, अभी समाज एक है और समाज एक रहेगा हमारा। और दूसरी बात, हम सियासत नहीं करने देंगे इसमें, हम किसी को सियासत नहीं करने देंगे। बहुत अच्छी बात है, अभी सब मेरे दो पर्सन हैं।